आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी ढाबा स्टाइल माश दाल। दाल माश बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट ऑन कर लें। ये मैंने ले ली है दाल माश हाफ कप, इसे मैंने धो के भिगो दिया है। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। धनिया मैंने ले लिया, इसे मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, लेमन जूस मैंने ले लिया है जी 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने ले लिया कस्तूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने हल्दी ले ली है जी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सब मिर्च मैंने ले ली हैं 2 अदद, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है जी। और मैंने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर की मैं प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, ये होगा 1/2 कप के करीब। ऑयल मुझे चाहिए होगा 1/3 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं रेसिपी, पढ़ के रेसिपी करते हैं अपनी स्टार्ट। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, 1/3 कप इसमें ऑयल जा रहा है, बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। अब इसमें मैंने ऐड कर देना है प्याज, इसको सुनहरा होने देना है, सुनहरा होने तक इसे पकाना है। जैसे प्याज को मैंने सुनहरा होने तक पका लेना है, जैसे ही इसका कलर सुनहरा हो जाएगा हम लोगों ने अपने मसाले ऐड करने हैं। प्याज हमारा सुनहरा होना स्टार्ट हो गया है, साथ ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, इसको कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा इसका कलर और आने देना है। सही से प्याज सुनहरा हो गया है, मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देना है। सब्जी अच्छी चल जाएगी, इसको कर लेते हैं हम। ये साथ ही इसमें जाएगी टमाटर प्यूरी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसमें दाल माश ऐड कर देनी है, इसको अच्छे से करें मिक्स। ये तो देखें दाल को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं 12 मिनट के लिए इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसे मैं दम पे रख दूंगी। ये हल्की आंच पे पकेगी और दाल माश तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती है, ठीक है जी। इसमें अब मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी और इसे मैं कवर करके रख दूंगी 12 मिनट के लिए, ठीक है जी। ये जा रहा है इसमें पानी 1/2 कप, इसे कर लेते हैं मिक्स। 12 मिनट हमारे हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, ठीक है जी। अब हमने इसमें ऐड करना है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, लेमन जूस, इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। दाल का कलर आप चेक करें, दो मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। अब जी मैंने इसमें ऐड कर देना है सब्ज धनिया, पिसा हुआ टुकटा हुआ धनिया ऐड कर दें, इसे कर लेते हैं मिक्स। मज़े से दाल हमारी ढाबा स्टाइल रेडी है। अब एक और चीज़ भी आपको बताने लगी हूँ, चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने ले ली हैं 3 सब्ज़ मिर्च, इनको मैंने कट लगा दिया है ऐसे, और इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने नमक लिया और तीनों में मैंने फिल कर दिया है। जब आप किसी ढाबे से आप लोग लेते हैं दाल वगैरह, उसके ऊपर सब्ज़ मिर्च जो पड़ी होती है, ये उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। ये इसको कट लगा लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक लेके इन तीनों मैंने फिल कर दिया। एक आपने ले लेना है पैन, पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल देना है और इसमें मैंने इन तीनों सब्ज़ मिर्च को फ्राई कर देना है, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं फ्राई। सब्ज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं आती हूँ दाल की फाइनल लुक के साथ। दाल रेडी हो गई है, सब्ज़ मिर्च हमारी रेडी हो रही है, वापस आती हूँ जी मैं फाइनल लुक के साथ।
जी ये है मेरी ढाबा स्टाइल दाल माश की फाइनल लुक। रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।